स्वकल्याण का पहला हाइमस लाइट कॉन्ट्रैक्टर एमडी मूसा ग्रिल शॉप अपोजिट संतोष गैस शिवपुर रोड बसवा कल्याण। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शेख मोइनुद्दीन साइंस एंड कॉमर्स पीयू कॉलेज हुलसूर सेपरेट। साइक्लोन असना कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट। आईएमडी ने गुजरात के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दुर्लभ तूफान असना के खतरे के जवाब में तटीय कर्नाटक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें शनिवार 31 अगस्त को गुजरात में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। तूफान असना संभावित क्षेत्रों पर कोई गंभीर प्रभाव डाले बिना शुक्रवार शाम को गुजरात से आगे बढ़ गया। यह दिन की शुरुआत में गुजरात में कच्छ के तट पर बना अरब सागर में चला गया और कोस्टल स्टेट में महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाए बिना ओमान की ओर चला गया। साइक्लोन असना, जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया है, 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में विकसित होने वाला पहला साइक्लोन तूफान है। यह तूफान अब भारतीय तट से दूर होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। पिछले 6 घंटों में कच्छ तट, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्व अरब सागर पर गहरा दबाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के अनुसार यह चक्रवात असना में तब्दील हो गया है और सुबह 11:30 बजे के आसपास उसी स्थान पर भुज गुजरात से लगभग 190 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित था। भारी बारिश के बीच कर्नाटक में बाढ़ का खतरा, 9 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने तीनों तटीय जिलों उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ में रेड अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय मलनाड क्षेत्र में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हैदराबाद और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी के कारण सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। अब हाई स्कूल बसवा कल्याण में 2024-25 के लिए LKG, UKG, पहली से 8वीं जमात के लिए दाखिले शुरू हो गए। लड़कियों के लिए अलग क्लासेस, यतीमों के लिए मुफ्त तालीम। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जल्दी करें।